नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की राशियां आपको प्राप्त होती हैं, हर महीने की राशियां भी हम आपको दिया करते हैं, और अब हम कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है या कैसा रह सकता है वो जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए शनि कुंभ राशि में ही विद्यमान है। मान सम्मान ये शनि इतना बढ़ा देंगे जो पहले कभी आपको प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, थोड़े आलसी भी आप हो जाएंगे, तो जिद और आलस्य को त्यागिए, आप उन्नति के शिखर तक आप जा सकते हैं। और यही शनि यहाँ से बैठ करके तृतीय दृष्टि से तीसरे स्थान को देख रहा है, तो तीसरा स्थान छोटे भाइयों का होता है, मित्रों का होता है, तो छोटे भाइयों के साथ कोई विवाद कर सकता है, मित्रों के साथ कोई विवाद कर सकता है, वैमनस्य कर सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य को इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और बाकी बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर के तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं। वैसे तो तृतीय स्थान का राहु अच्छा ही फल देता है, लेकिन बृहस्पति को बिगाड़ देता है। तो ये गुरु चंडाल योग है, राहु का जो है दान करें, बृहस्पति का भी दान करें, केले का या पीली दाल, चने की दाल, गुड़, ये जो है आप दान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दैनिक राशि फल की तरफ लेकर के चलता हूँ। आपका 1, 2, 3, 4 तारीख ये बहुत सुंदर हैं, सुखद हैं, अच्छे परिणामों को देने वाली हैं, और इसके अंदर कोई ना कोई राज्याधिकारी से आपका ऐसा जो है कार्य हो सकता है जो पहले से काफ़ी समय से अटका हुआ है। लाभ के स्रोत इस समय पर अच्छे रहेंगे, और आप जो है 5 और 6 तारीख को सावधान हो जाएं। इस समय पर किसी प्रकार की कोई डील ना करें, कोई लेन देन ना करें, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख तक आपके लिए ये 6 दिन बहुत ही सुंदर और सुखद रहेंगे। इस समय पर ये जो है 6 दिन आपको अच्छे माहौल में रखेंगे, हंसी खुशी का माहौल होगा, कोई अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे कि घर के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाए, और बाकी धन के रास्ते खुले रहेंगे, भाई बंधुओं से, मित्रों से अच्छे संबंध इस समय पर बने रहेंगे। लेकिन 13-14 तारीख ये थोड़े से आपका जो है मन उदास कर देगा। इस समय पर हो सकता है आपको मन में किसी बात की चिंता हो, अकारण भय जो है मन के अंदर हो, दूध और चीनी का आप दान कीजिएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख पढ़ाई वालों के लिए बहुत ही सुंदर है, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। एग्जाम है तो अच्छे एग्जाम होंगे, इंटरव्यू है तो सफल होगा, साक्षात्कार आपका सफल होगा, इसका जो है आप इन 3 दिनों को अपने हाथ से ना जाने दें। 18-19 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी वैमनस्य को उत्पन्न करने वाली है। आपकी वाणी के द्वारा, आपके आचरण के द्वारा कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी के साथ में कोई विवाद हो जाए, थाना कचहरी हो सकती है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। 20, 21 और 22 तारीख इस समय पर कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ा सौदा हो सकता है, व्यापार अच्छा होगा, कोई साझेदार आपको मिल सकता है, कोई नया व्यापार आप चालू कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच अच्छे जो हैं संबंध तालमेल बने रहेंगे। 23 और 24 तारीख ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस समय पर आपको कहीं भी जाने की, अगर कोई यात्रा अगर कोई लंबी है तो उसको स्थगित करें, बाकी दूध और चीनी का जो है दान करें, जिससे कि ये 2 दिन ये आपके लिए ठीक निकल सके। बाकी 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 इस महीने की, पूरे महीने की सबसे श्रेष्ठ तारीखों में से हैं। जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो इसके अंदर होने की पूरी संभावना है, वो होंगे, आप लाभान्वित होंगे, इज्जत आपकी बढ़ेगी समाज के अंदर, और राज्य काज आपके पूरे होंगे, किसी राज्याधिकारी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। बाकी जानकारियों के लिए आप जो है इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।